हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द सबा ट्वीट्स में। आज मैं आपके साथ बहुत ही बेहतरीन क्विक एंड इजी स्नैक्स की रेसिपी शेयर करूंगी, पोहा स्नैक्स। रेसिपी को जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंग्रेडिएंट्स में मैंने एक बाउल पोहा लिया है, आधा बाउल मूँगफली लिया है, आधा बाउल काजू और आधा बाउल किशमिश की, 2 से 4 हरी मिर्ची को बारीक काट के ले लिया है और थोड़ा सा कड़ी पत्ता को लिया है। यहाँ पे मैं एक पैन में 2 से 3 चम्मच घी ऐड करूंगी। घी गरम होते ही लगभग एक बाउल जितना मखाना ऐड करके मखाने को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। एक कढ़ाई में भर के तेल लेना है। पोहे को हमें डीप फ्राई करना है। डायरेक्ट तेल वाली कढ़ाई में हमें पोहा ऐड नहीं करना है। एक छन्नी में पोहा ऐड करेंगे और फिर डीप फ्राई करेंगे। इससे तेल भी ज्यादा नहीं लगता है और पोहे भी खराब नहीं होते हैं। आप एक साथ अगर तेल में पोहे डाल देंगे तो फिर पोहा खराब हो जाएगा, बहुत ज्यादा तेल पोहा के अंदर आ जाएगा जो कि बिल्कुल टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। पोहे के बाद मूंगफली भी हम सेम वे में फ्राई करेंगे और एक बाउल में ऐड करते जाएंगे। काजू, किशमिश, करी लीव्स और हरी मिर्ची को भी सेम वे में फ्राई कर लेंगे और बाउल में ऐड कर देंगे। मखाना जो फ्राई किया था वो भी ऐड कर देंगे। एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। तो मैंने यहाँ एक चम्मच नमक ऐड किया है और एक चम्मच चाट मसाला डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे। और मैं यहाँ एक बाउल के करीब भुजिया मिक्सचर ऐड कर रही हूँ। आप अपने पसंद की कोई भी मिक्सचर ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास नमक पारा हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। ये होममेड नमक पारा है, मैं इसकी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। नमक पारा डालने से और भी टेस्ट बढ़ जाता है। ये बेस्ट है चाय के लिए स्नैक्स, यू कैन ट्राई। आप भी अपने किचन में इस रेसिपी से जरूर ट्राई करें और कैसा लगा कमेंट में बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सबा ट्रीट्स। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।